थंडर ब्लास्ट के बारे में आपको बताएंगे। आजकल हम लोग का जीवन इस भाई साहब की तरह हो रखा है, बहुत थके थके फील करते हैं हम लोग, और हमेशा जो है थकावट से हमारे शरीर में फील होती है हमें। तो दोस्तों थंडर ब्लास्ट लेने के बाद आप लोग इस थकावट को बिल्कुल भूल जाएंगे। थंडर ब्लास्ट जो है दोस्तों आपको ऐसा बना देगा, इसको मैं बोलता हूँ मिस्टर चार्ज। ये सुबह शाम बिल्कुल चार्ज रहते हैं और ऐसे एकदम चारों तरफ एकदम अपना ध्यान रखते हैं परफेक्ट तरीके से। और दोस्त के बेनिफिट अगर मैं इसको बताऊंगा तो बहुत मिरेकुलस प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है बहुत। ये आपकी मैरिड लाइफ को दोस्तों इम्प्रूव करता है, मेल्स के लिए स्टेमिना ये इम्प्रूव करता है। अगर उनको कोई पर्सनल प्राइवेट पार्ट्स कुछ प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या प्री इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है या स्पर्म काउंट लो है जिससे पिता बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, तो उसमें बहुत कारगर है दोस्तों। इसमें मोती भस्म, लोह भस्म, वांग भस्म है दोस्तों, जो बेसिकली स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए बहुत यूजफुल होती हैं। थंडर ब्लास्ट मेनली दोस्तों आपके खून को पतला करता है ताकि वो आपकी सबकी सब नर्व से जो भी आपकी बॉडी में नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको आप बिल्कुल ठीक रख सको। आपकी बॉडी में ब्लड जो है ढंग से फ्लो कर पाए, सारे न्यूट्रिएंट्स और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के कोने कोने तक पहुंच पाए। ब्लड का काम यही होता है दोस्तों। और किसी भी तरह की ब्लॉकेज है, क्लॉट्स है नर्वस सिस्टम में, उनको ठीक रखता है, आपकी बेसिक पावर को बढ़ाता है, मसल्स पावर को बढ़ाता है दोस्तों। और उसके बाद इसमें सिंदूरस होता है जो वीकनेस को ट्रीट करता है, एंटी एजिंग होता है आप समझ लीजिए, और अल्जाइमर प्रॉब्लम आपकी भूलने की बीमारी को, अगर किसी को है शिलाजीत है तो वो अल्जाइमर भूलने की बीमारी को ठीक करता है, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करता है दोस्तों, एजिंग होती है तो एजिंग को वो आपकी कम करता है। केसर एंड गोखरू, केसर और गोखरू दोस्तों स्टेमिना है, मेल फर्टिलिटी के बहुत कामगर है। सफेद मूसली है दोस्तों, वो आपका स्पर्म काउंट बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल अगर मैं बता पाऊँ आपको एक लाइन में तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट है बहुत अच्छा मेल्स के लिए। आप इसे फीमेल्स को भी दे सकते हैं, सारी जरूरतें फीमेल्स को भी होती हैं। और दोस्तों अगर नर्व से रिलेटेड बात करें, अगर नसों से रिलेटेड बात करें तो ये रामबान है, आपके जनरल वीकनेस के लेवल को दोस्तों कम करता है, नॉर्मल आपको ये काफी चीजें बढ़ाता है, आपको हेल्दी रखता है। डायबिटिक पेशेंट को दोस्तों हम लोग डायबिटिक पर्सन को इम्यूनोडॉक हम लोग नहीं देते हैं, हम लोग इम्यूनोडॉक डायबिटिक पेशेंट को नहीं देते हैं, डायबिटिक पेशेंट को थंडर ब्लास्ट देते हैं दोस्तों। ये किसी भी तरह के बॉडी इन्फेक्शन, ब्लड सेल्स के इन्फेक्शन में बहुत कारगर है, आपके नसों को खोलता है और ब्लड को जो है वो पूरी बॉडी में अच्छे से फ्लो होने देता है। तो थंडर ब्लास्ट दोस्तों मैं आपको यही बोलूंगा 15 से 20 ml से स्टार्ट करें, क्योंकि कई बार जब हम इसको एक्स्ट्रा 30 ml से स्टार्ट करते हैं तो कई बार हमें मोशन भी लग जाते हैं। मोशंस लगने का ये मतलब नहीं होता कि प्रोडक्ट ऐसे हैं, मोशंस लगने का मतलब ये है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट काम करना मतलब काम कर पा रहे हैं। तो थंडर ब्लास्ट को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग इम्यूनोडॉक की हेल्प भी देते हैं, क्योंकि इम्यूनोडॉक का काम ये है कि सारी जो चीजें आपकी डाइजेशन उसको ठीक करके आपकी बॉडी के कोने कोने में टिश्यूज और ऑर्गन्स में सारी एनर्जी को पहुंचाए। ठीक है दोस्तों, थंडर ब्लास्ट हम डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं, उसको हमें इम्यूनोडॉक नहीं देना है। बाकी सब पेशेंट्स को हम बाकी सब किसी हेल्दी हेल्दी को भी हम इम्यूनोडॉक और थंडर ब्लास्ट दोनों रिकमेंड कर सकते हैं।